हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस समय मैं हूं अपने पहाड़ में, अपने घर में। तो दिन की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, धूप निकल चुकी है और ये देख सकते हैं हमारा गांव और यहां पर मेरा घर है। यहां कभी मैं एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। ये देख सकते हैं गाइस कितनी हरियाली अभी है गाँव में। सो गाइस, अभी मैंने काम शुरू कर दिया है घर में, क्योंकि घर में रह के कुछ काम करना पड़ता है। कर रहा हूँ, धान सुखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने धान का चुटाई वगैरह कर दिया था, तो अभी धान सुखाने का काम मैं करता हूँ। देखते हैं गाइस धान कैसा हो रहा है। ये देखिए गाइस, तो गाइज यह है हमारा धान, आप देख सकते हैं इतना धान निकला है। अभी और थोड़ा बचा है खेत में, उसका भी हम अभी उसको भी काटेंगे, उसकी भी चुटाई करेंगे। सर मुझे ये धान भी सुखाने के लिए डालना है, तो इसको मैं ऐसे सुखाने के लिए डाल देता हूँ, जिससे कि सूख जाएगा। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने धान को भिजा दिया है, मतलब सुखाने के लिए डाल दिया है। गाइस देख सकते हैं, मैंने ऐसे सुखाने के लिए धान को डाल दिया, तो अब धूप काफ़ी अच्छी आई है, तो अच्छी तरीके से ये सूख जाएगा। तो उसके बाद जब धूप शाम को चले जाएगी, उससे कुछ पहले इसको हम फिर एक जगह बटोर देंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे। गाइस ये है धान का पराव, ये देख सकते हैं ये सूख चुका है। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर भी है, ये धान का पराव ही है यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ। तो भाई धान सुखाने के बाद एक काम फिर मुझे मिल गया, तो मुझे अभी धनिया उपाड़ना है। धनिया मतलब हरा धनिया है खेत में, तो उसको उपाड़ता हूँ अभी। तो भाई ये है धनिया जिसे मुझे अभी उखाड़ना है, तो मैं यहीं पर से शुरुआत करता हूँ। तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा अभी, ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ, ठीक है। सो गाइज अभी मम्मी मेरी ये धान को बता रही है, मतलब जो उसमें से जो क्या बोलते हैं उसको, गाइज धान बता रही है, बताने का मतलब उसमें से जो धान जो जिसके अंदर दाने नहीं होते हैं वो पार्ट अलग हो जाता है, और जिसके अंदर दाने होते हैं वो एक तरफ हो जाता है। तो पंखे की हवा वहाँ पर मैंने लगा रखा है। सो गाइज अब मैं धान यहाँ पर धान बताता हूँ। ये हमारे धान, अभी दोनों मौका दिखाया। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। कमेंट करके जरूर बताएं आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो पहाड़ में ऐसे इतने ज़्यादा काम काज अभी होते हैं, तो मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।